हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो पिछले कई दिनों से आपको स्टार प्लस के नए सेल के बारे में बता रहा था, और दिया और बाती हमका सीजन 2 आने वाला है ये भी मैं आपको बता रहा था। और गाइज, अब उसी शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस सेल को दिया और बाती हम सीजन 2 का टाइटल नहीं दिया गया है, सीरियल को एक अलग नाम दिया गया है जो कि है आंख मिचोली। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी सही है, शो को एक नया नाम देना ही सही रहेगा। अगर आप पुराने करेक्टर्स कास्ट वगैरह को वापस नहीं लेकर आ रहे, तो अगर फिर से वही नाम दे रहे हो तो लोग फिर से कंपैरिजंस वगैरह करेंगे और कहेंगे कि पुरानी कंटिन्यू करो स्टोरी, उससे अच्छा नया नाम ही दे दो। तो उन्होंने नया नाम दिया है आंख मिचोली। सीरियल के में जो मेन लीड्स होने वाले हैं वो वही नवनीत मलिक और खुशी दुबे होंगे, जैसा कि आपको बताया था। शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑब्वियसली ये सीरियल आएगा, जिन्होंने दिया और बाती हमका सीजन 1 भी बनाया था। तो शो का एक प्रॉपर प्रोमो ट्रेलर स्टार प्लस ने कल लॉन्च किया था। और बात करें सीरियल क्या होने जा रहा है, तो वैसे एक अलग टाइप का शो होने वाला है जो कि एक कॉप ड्रामा भी होगा और साथ में सास बहू की स्टोरी भी होगी, लेकिन हमारी टिपिकल सास बहू स्टोरी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज जो सीरियल की मेन फीमेल लीड है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो कि खुशी दुबे का मेन कैरेक्टर है, वो यहां पर एक बहू का रोल तो निभाएगी ही अपनी फैमिली में, लेकिन साइड बाय साइड वो एक अंडरकवर कॉप भी होगी, यानी कि वो एक सीक्रेट एजेंट भी होगी साइड बाय साइड, जिसको अलग अलग टाइप के सीक्रेट मिशंस मिलते रहते हैं। तो ऐसे में चलते चलते वो सबको ये बता भी नहीं सकती, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो एक अंडरकवर एजेंट है, अंडरकवर कॉप है। तो इसी करके लोग ये सब उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर ये करती क्या है, बीच बीच में कहाँ चली जाती है, या फिर कभी कभी बिहेवियर जो है इसका काफ़ी अजीब देखने को मिलता है। तो ये सब इसके सारे आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी बार नोटिस करें। अब सीरियल की जो मेन कहानी है वो ये है कि रुक्मणी एक अंडरकवर कॉप तो है, लेकिन उसकी फैमिली ऑब्वियसली यही चाहती है कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो और ये सेटल हो जाए, अपनी फैमिली वगैरह संभाले। जिसके साथ शादी करना चाहते हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो सेटल होकर घर पे अपने घर को संभाले, लेकिन रुक्मणी जो है उसके सपने बड़े हैं और वो चाहती है कि वो एक काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड ऑफिशियल बने और एक काफ़ी सक्सेसफुल IPS ऑफिसर बने, ये उसका सपना है। लेकिन वो इस डिलेमा में भी फंस जाती है कि अगर वो शादी कर लेगी, सेटल हो जाएगी, और फिर वो अपने सपनों को कैसे पूरे कर पाएगी, क्या वो IPS ऑफिसर बन पाएगी या फिर नहीं, अपने सपनों को भी साथ साथ शादी के लेकर जाएगी या फिर अपने सपनों का सेक्रीफाइस देगी या फिर अपनी शादी का सेक्रीफाइस देगी। तो वही सीरियल का मेन डिलेमा होने वाला है। और यहीं पर जहां पर सास बहू की स्टोरी भी देखने को मिलती है, बिकॉज सास के साथ इसकी केमिस्ट्री वगैरह भी देखने को मिलेगी अपने पति के घर में ऑफकोर्स, और साइड बाय साइड जो अंडरकवर कॉप की भी कहानी है, इसी करके एक नए टाइप की सास बहू वाला सीरियल होने जा रहा है। लेकिन सीरियल की स्टोरी ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं दिया और बाती हमके सीजन 1 से, बिकॉज उसी का सीजन 2 है एसेंशियली ये, क्योंकि रुक्मणी एक सीक्रेट एजेंट है, तो इसी करके उसको काफ़ी बार लोगों से छुपकर अपने मिशंस वगैरह पे जाना पड़ता है और फिर मिशन से वापस आकर फिर से अपने भेस में अपने घर वाले नॉर्मल तरीके से रहना पड़ता है। इसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आंख मिचोली उसे करने पड़ती है उसके सराउंडिंग लोगों से, इसी करके सीरियल का जो टाइटल है वो आंख मिचोली है। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्रोमो इंटरेस्टिंग लगा या फिर नहीं, और आंख में चोली की सारी अपकमिंग अपडेट्स और न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सीरियल 2024 में ऑब्वियसली लॉन्च होगा और स्टार्टिंग वाले महीने में ही लॉन्च होने वाला है। लोग टाइम स्लॉट वगैरह को गेस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए स्टार प्लस स्टिल डिसाइड कर रहा है इसको कौन सी टाइम स्लॉट देना चाहें, लेकिन इतना आपको बता दूं कि प्राइम टाइम स्लॉट देने का ही डिसाइड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी सिंपल सा गेस है कि हम सब 9 बजे के टाइम स्लॉट ही सोचेंगे, लेकिन स्टिल स्टार प्लस अभी के लिए डिसाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 9 बजे की ही मिले, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा ईजी गेस हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।